जबलपुर से है। बिश्पा के बेटे को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में पीयूष पॉल को गिरफ्तार किया गया है। बिश्पा पीसी सिंह के बेटे की घर से गिरफ्तारी हुई है। जांच में मिले सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। बिश्पा पीसी सिंह के भ्रष्टाचार में शामिल था बेटा पीयूष, और जिस तरीके से गिरफ्तारी हो चुकी है तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। तो बिश्पा के बेटे को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है, और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों में पीयूष पॉल को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में ईओडब्ल्यू ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बिश्पा पीसी सिंह के भ्रष्टाचार में शामिल था बेटा पीयूष, और जांच में मिले सबूतों के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया ईओडब्ल्यू ने। सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, पीयूष गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल तरन्नम, देखिए आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। पहले बिशप की गिरफ्तारी हुई थी और जांच जो है वो लगातार जारी थी, और अब जो बिशप पीसी सिंह हैं उनके बेटे पीयूष पाल सिंह को गिरफ्तार ईओडब्ल्यू ने किया है, कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जो आरोप है कि जो जिस तरीके से बिशप पीसी सिंह जो है वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप, संस्थाओं के जो पैसा था उसका उपयोग निजी इस्तेमाल के लिए करते थे, इसके अलावा जो है धर्मांतरण में कहीं ना कहीं बड़ी रकम का उपयोग जो है वो किया गया, इसके अलावा जो है वो जमीनों में भ्रष्टाचार था, जो जो जमीन सरकार से मिली हुई थी संस्थाओं को उन जमीनों को निजी फायदे के लिए बेचना, ऐसे कई गंभीर आरोप जो है बिशप पीसी सिंह। राजेश, देखिए पीयूष पॉल की गिरफ्तारी तो हो चुकी है पीयूष पॉल की, लेकिन क्या लगता है ईओडब्ल्यू के रडार पर अभी और भी कई नाम है? बिल्कुल तरन, देखिए लगातार ईओडब्ल्यू इस मामले में जांच कर रही है। इसके पहले भी कई लोग गिरफ्तार हुए पीसी सिंह के, जो करीबी हैं जैकब पाल सिंह, और कई गिरफ्तारियां इनमें हुई, और आज बेटे को गिरफ्तार किया गया। रडार में जो है ईओडब्ल्यू के भी कई और लोग हैं जो बिल्कुल राजेश जिस तरीके से ईओडब्ल्यू लगातार कार्रवाई कर रही है, कहा जा सकता है कि आगे भी लगातार इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। तमाम जानकारी के लिए राजेश बहुत बहुत शुक्रिया खबरों में।